बनने के पश्चात इतना थक जाता हूँ ना मैं, इतने सारे कार्य क्या करूँ गोविंद, आज थक गया मैं। ये मेरे समक्ष इतना नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं है श्रीनिवास। क्या आवश्यकता थी वो प्रस्ताव स्वीकार करने की? आपने देखा नहीं कितनी बड़ी सभा थी, कितने बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े राजा आए थे, राजकुमार आए थे, उन सब के समक्ष राजा आकाश ने और राजकुमार ने मेरे समक्ष प्रस्ताव रखा, उसे सम्मान नहीं देना चाहिए? मैं मना करता तो पता क्या कहते, ये देखो ये श्रीनिवास इसे कितना अभिमान है। हाँ ठीक ठीक, अब चयनकर्ता बन गए हो तो अपने बड़ बोलेपन में वहां कुछ ऐसी बात मत कह देना जिससे कि कोई समस्या खड़ी हो जाए। पहले ही ऋषि भृगु को रुष्ट कर चुके हो तुम, याद है ना वो स्वयंवर की तिथि परिवर्तित करके। अब तो ऋषि भृगु जो कहें जैसा कहें बस उनकी हां में हां मिलानी है तुम्हें। अभी तो श्रीनिवास ने आत्मनिर्भर होने की बात कही थी और देखो राजकुमारी के स्वयंवर में उसे चयनकर्ता बनने का अवसर भी मिल गया। कितनी प्रसन्नता की बात है ना, राजा आकाश ने चयनकर्ता के रूप में उसे चुना तो वो तो आत्मनिर्भर ही हुआ ना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब बाबा मेरी और उसके विवाह के लिए मान ही जाएंगे। आप आ गए? कैसा रहा राजकुमारी के स्वयंवर का प्रथम दिवस? राजकुमारी पद्मावती को कोई राजकुमार पसंद आया? क्या थी? मुझे तुमसे कोई विशेष बात करनी है। किस विषय में? श्रीनिवास के विषय में। मैं हाँ में हाँ मिलाऊं? अरे आपको समझ नहीं आता है गोविंद राज, मैं चयन करता हूँ, मेरा कर्तव्य है चयन करना, अपना पक्ष रखना। मैं चयन नहीं करूंगा तो मेरा वहां होने का लाभ क्या है? तुम सदैव ऐसी समस्या खड़ी कर देने वाली बातें कैसे कर पाते हो श्रीनिवास? ऋषि भृगु राज पुरोहित हैं इस राज्य के, अरे राजनीति में प्रभाव है उनका। भाई इतने बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से तुम क्यों क्यों शत्रुता मोल लेना चाहते हो? मैं कहां शत्रुता मोल ले रहा हूं हमारे राज्य के राज पुरोहित जी से, मैं तो बस सत्य कह रहा हूं ना। और चयनकर्ता होने के नाते मेरा जो कर्तव्य है वो मैं निभा रहा हूं। आपने देखा ना कैसे कैसे व्यक्ति आए थे, कैसे कैसे प्रतियोगी थे, नृत्य का न नहीं आता उन्हें। यदि उनमें से किसी एक व्यक्ति के लिए ऋषि भृगु ने हाँ कहा होता तो क्या उसका विवाह में राजकुमारी पद्मावती के साथ होने देता? नहीं। अरे राजकुमारी पद्मावती विश्वास करती है मुझ पे, विश्वास कभी किसी का तोड़ना नहीं चाहिए गोविंदराज। तो रही बात ऋषि भृगु की, तो वो चिंता भी आप छोड़ दीजिए क्योंकि वो चिंता मैं दूर कर चुका हूँ। उन्होंने मुझे वचन दिया है कि जब तक मेरी बताई हुई तिथि सिद्ध नहीं हो जाती कि उचित है या अनुचित, वो मुझे वेंकटगिरी से जाने के लिए नहीं कहेंगे, ना उनके घर से जाने के लिए कहेंगे। एकमात्र यही बात है इस पूरे प्रकरण में जो ठीक हुई है श्रीनिवास। ख्याति, मुझे श्रीनिवास को लेकर कुछ खटका सा लग रहा है। ऐसी क्या बात है? श्रीनिवास तो आपके साथ चयन करता था ना, क्या वहाँ उससे चयन करने में कोई त्रुटि हुई है? नहीं नहीं, वहाँ कोई त्रुटि नहीं हुई है, समर भी अच्छे से हो गया, किंतु मुझे श्रीनिवास का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा। क्यों? आपने तो स्वयं उसकी प्रशंसा की है और अब तो उसने आपके कहे अनुसार भार्गवी के विवाह की तिथि भी बता दी है। मैं तो आश्चर्यचकित थी कि आपने स्वयं उसकी बात को इतनी शांति से कैसे स्वीकार कर लिया। अरे कुछ स्वीकार नहीं किया है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि यह तो समय बताएगा, क्योंकि मैं जानता हूं समय के अनुसार श्रीनिवास की भविष्यवाणी अनुचित सिद्ध होगी, और जैसे ही उसकी भविष्यवाणी असत्य सिद्ध होगी मैं उसे यह नगरी सदैव के लिए छोड़ने के लिए कह दूंगा, और उसकी भविष्यवाणी को असत्य सिद्ध करने का एक ही मार्ग है, हमें भार्गवी का विवाह उस तिथि से पूर्व करवाना होगा। किंतु आर्य, आपने उसे वचन दिया है कि उसकी दी गई तिथि के आने से पूर्व आप उसे नगरी छोड़कर जाने का आदेश नहीं देंगे। वो तो तब जब भार्गवी का विवाह ना हुआ, यदि उससे पूर्व ही भार्गवी का विवाह हो गया तो स्वयं उसकी भविष्यवाणी असत्य सिद्ध होगी, तत्पश्चात
उसे यहाँ रहने का समय क्यों दें? मैं श्रीनिवास की ऐसी परीक्षा लूंगा कि वो असफल सिद्ध होगा और उसकी भविष्यवाणी भी असत्य सिद्ध होगी। नहीं, ये ठीक नहीं है, ये पाप है। बाबा ऐसा नहीं कर सकते। बाबा ने तो श्रीनिवास को वचन दिया था और अब बाबा ये योजना बना रहे हैं। नहीं, बाबा ने श्रीनिवास को कुछ और कहा और अब उनके मन में कुछ और चल रहा है। श्रीनिवास तो ये सोचकर प्रसन्न होगा कि बाबा उसे स्वीकार कर लेंगे। उसे लग रहा होगा कि वो बाबा को प्रसन्न कर रहा है। बाबा तो यहाँ एक भीषण परीक्षा लेने की सोच रहे हैं। श्रीनिवास तो ये सोच कर बैठा होगा कि विवाह की तिथि उसने मुझे बताई है। मैं समय है, किंतु मैं ये क्या देख रही हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी, ये उचित नहीं है। आज तक सर झुकाकर बाबा की हर बात को स्वीकारा है, पर आज पहली बार बाबा की बात पर विरोध करने का मन कर रहा है। मुझे श्रीनिवास को शीघ्र ही मिलकर बताना होगा कि मेरा संदेह उचित निकला। बाबा सोच कुछ रहे हैं और उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। भले ही बाबा ने श्रीनिवास को 6 महीने का समय दे दिया है, किंतु श्रीनिवास को दोषी सिद्ध करना चाहते हैं। भार्गवी, क्या हुआ पुत्री? तुम मेरी पुकार से इतना शॉक क्यों गई? तुम्हारे मस्तक पर इतना पसीना क्यों है? तुम ठीक तो हो ना? बाबा, वो मैं भोजन परोस रही थी ना, गर्मी लग गई, बस इसलिए। आप भोजन ग्रहण कर लो। ये भोजन तुमने पकाया और परोसा है? जब तुम छोटी थी ना, तो जब भी तुम्हारी माँ भोजन परोसती थी, तुम दौड़ के मेरे पास आती थी और मेरे पास बैठ जाती थी और ये हट करती थी कि पहला निवाला तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगी। और वो निवाला तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथों में तो आता नहीं था, इसीलिए वो निवाला मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाया करता था। और आज तुम्हारे वो नन्हे नन्हे हाथ इतने बड़े हो गए कि उन्हीं हाथों से तुमने भोजन पकाया और परोसा है। मेरी पुत्री बड़ी हो गई। किंतु क्षमा करना पुत्री, मैं ये भोजन ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। मुझे राजमहल में अतिथि सत्कार स्वीकारना होगा। किंतु तुमने इतने परिश्रम से भोजन बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम बचपन की भांति पहला निवाला मेरे नाम का ग्रहण करना और मैं इस स्वयंवर के पश्चात तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ खाना अवश्य चखूंगा। मैं चलता हूँ। नहीं बाबा, मैं आज आपके नाम का ग्रास नहीं खाऊंगी, क्योंकि आप जो श्रीनिवास के साथ कर रहे हैं वो अनुचित है और मुझे ये सब श्रीनिवास को बताना ही होगा।